हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और हम 10th क्लास में सॉल्व पेपर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। और हमारा, आपको पता होना चाहिए, सॉल्व पेपर 2020 आपका चल रहा है। इसको हम लोग आपका देख रहे थे, सोल पेपर 20 को। कल हम इसमें बहुत सारे चीजों को पढ़ चुके थे। अच्छा, इतना आपने देख लिया। चलिए, सभी स्कूल आ जाइए फटाफट, ताकि मैं शुरू करूं और आप सब जुड़े और हम लोग आंसर राइटिंग को शुरू करें। और ये तभी है जब सब बच्चे एक साथ बैठ जाएंगे। दो चार अभी बिल्कुल बैठ रहे हैं बच्चे। देखिए, मैंने वैसे ही 2-3 मिनट लेट शुरू करता हूँ ताकि सब बच्चे आ जाएं और आप लोग पहुंच जाइए सभी बच्चे क्लास में समय पर। चलिए, ध्यान दीजिए आप सभी। बेटा, मैं बहुत सारे पेपर, ये जीआईसी, जीकेआईसी, बारकोड, बेटा मैं बहुत सारे टेस्ट पेपर देख, मतलब बहुत सारे पीवीसीआर क्वेश्चन देख रहा था। उनमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार बार मेरे को मिल रहा था, पर आपको ध्यान रखना है। एनसीसी का अगर कुछ भी आपको पूछने के लिए आए, तो एनसीसी का हर साल पेपर में कुछ ना कुछ जरूर आ रहा है, तो आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। और एनसीसी का मतलब लगभग 80 शब्दों तक आपका तैयार कर लीजिए कि एनसीसी का 80 शब्दों में कितना कुछ आ रहा है सैंपल पेपर में। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक, चलिए, तो आप इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। चलिए, लिखना शुरू करें। जिन्होंने नहीं भी लिखा है, लिखिए, और बच्चे भी लिखेंगे सभी। और ये लिख लिया, और फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 और 17 लिखिए। चलिए, अच्छा एक काम करिए, इस वाले क्वेश्चन को आप 3 नंबर में ना करकर इसको 4 नंबर में करिए। इस वाले क्वेश्चन को 3 में ना करके 4 में करिए। मान लीजिए अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, और कम से कम 80 वर्ड होने चाहिए आपके पास। चलिए लिखिए। जीआईसी कोटद्वार, एक मिनट है आपके पास। हो गया बेटे? जी, जीआईसी बारकोड लिख लिया। जीआईसी फसाड़ी आप लोगों ने कर लिया बच्चों। चलिए, जीआईसी बारकोड को एक बच्चा खड़ा हो और बताइए क्या लिखा है आपने। कोई भी, पूजा, स्वाति, खुशी, सोनम, जो भी बच्चा हो, माइक ऑन करो बेटा, बोलिए। गुड मॉर्निंग। चावल प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है, अतः इसकी फसल के लिए उष्णाद्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में इसकी खेती के लिए चिकनी कछारी तथा दोमर मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। देखिए, बच्चे ने बहुत अच्छा बताया, सीधा बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और टू द पॉइंट लिखा है। लेकिन वो साफ साफ बोला है कि जो चावल है वो प्रमुख रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि जहां पर गर्मी पड़ती है उसी क्षेत्र का है बेसिकली। ठीक है, और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए बहुत अच्छी है मिट्टी की बात करूं तो आपकी जलोढ़ मृदा बहुत अच्छी है। दूसरा, अगर मैं टेम्परेचर देखूं कि एक एवरेज टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो बताया 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होना चाहिए। और वर्षा जो है, इसमें जो है तापमान कितना है, टेम्परेचर होना चाहिए 25 के डिग्री के आसपास, और जो रेनफॉल है वो 100 से 200 आपका सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। और ये जलोढ़ मृदा में बहुत अच्छा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां सिंचाई के माध्यम से भी हम लोग चावल को उगा सकते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने 3 राज्य का दिया है हमारे लिए। क्लियर है? जैसे उन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को एग्जाम्पल दिया है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि
चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देखिए पहले नंबर की डिमांड चावल की है, दूसरे नंबर की गेहूं की, ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है और भारत का चाइना के बाद चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, ये भी लिख लीजिए। चाइना का चाप सॉरी भारत का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए शाबाश, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 16 को लिखिए। सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को पारित करने के तीन कारणों की व्याख्या कीजिए। कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने भारत सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया था और हमने उसको पारित किया, उसके तीन प्रमुख कारणों की हमको व्याख्या करनी है। चलिए करिए, करें करें शाबाश करें। ये ऐसी फसादी, बेटा आप भी लिखिए, सभी बच्चे लास्ट मिनट है। जीजीआईसी कोटद्वार लिखो बेटा, 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, हो गया। चलिए जीजीआईसी बारकोट बताओ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण ही हुआ था। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। वस्तु को खरीदते समय वस्तु के गुण व मूल्य को परखना उपभोक्ता की जिम्मेदारी मानी जाती थी। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए एक ओर तो उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक था और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक था। इसलिए भारत में सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसकी आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ी। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए, वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उत्पादकों को सही और अच्छे कच्चे माल का उपयोग करते हुए अच्छे गुणों वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, शाबाश। अच्छा बेटा मुझे अच्छी बताओ, अभी आप 10th में हो, अगले साल 11th में पहुंच जाओगे, कौन से स्ट्रीम लोगे? साइंस लोगे या फिर आपका मैथ लोगे, बायो लोगे या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी को आगे कंटिन्यू करोगे? बायो सर। बायो। चलो आप मुझे इतना पता, जिस फील्ड में भी जाओगे बहुत अच्छा करोगे। और देखो बायो आप लोग जाओगे तो ध्यान रखना, 12th क्लास में आप लोग नीट वगैरह का पेपर देना, और एमबीबीएस के लिए बीएमएस के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी 11th से ही रखना। 11th और 12th जितनी अच्छी होगी, समझ लीजिए कंपटीशन में मेहनत उतनी कम हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना? 11th और 12th यस जितनी सर। मेहनत से कर रहे हो ऐसे करते रहो। चलिए बहुत अच्छा, विश यू ऑल द बेस्ट, बैठ जाइए, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, सुनामी करिए बेटे फटाफट जल्दी। जीआईसी कोटद्वार आप देंगे इसका आंसर इस बार, करो बेटा शाबाश, बहुत अच्छे। जीएससी कोटद्वार, बहुत बढ़िया, जल्दी करें, आप लोग भी करें बेटा, हो गया बेटा। चलिए अभी दूंगा मौका, आप माइक ले ले और 1 मिनट का वेट करें बस, ठीक है? 1 मिनट का वेट करेंगे क्योंकि बच्चे कुछ लिख रहे हैं, उनका आंसर हो जाए, बैठ जाइए अभी 1 मिनट तक। जीएससी कोटद्वार 1 मिनट बैठ जाइए, जल्दी करें जल्दी, हरी अप हरी अप, बहुत सारे स्कूल लगे हुए हैं, जल्दी, क्योंकि ऐसे ही वहां आपके क्लास टीचर बोलते रहेंगे समय समाप्त हो रहा है, 1 घंटा बचा है, आधा घंटा बचा है, और अच्छे से अपने आंसर को रेक्टिफाई कीजिए। देखिए जल्दी देने की कोशिश मत करिए, बस अच्छा लिखने की कोशिश करिए कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर देखे वो आपको नंबर देने पे बेबस हो जाए। 30 सेकंड बचे हुए हैं आप सभी के पास। चलिए जीएससी कोटद्वार मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, माइक ले ले। वेरी हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, चलिए बेटा बताइए, ध्यान देंगे समुद्र सर के बच्चे? भीतर चलिए अचानक जब, यस सर, समुद्र के, सर आंसर है सर, समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी लहरें, जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है, जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेलों को सुनामी कहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा, चलिए बैठ जाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। यस सर।
अच्छा बेटा, ये आप अभी 10th क्लास में, उसके बाद कौन सी स्ट्रीम लेंगे? साइंस लेंगे, मतलब आप पीसीएम में जाएंगे, पीसीबी में जाएंगे, या फिर आप इसी को, सर। एसएसटी को आगे कंटिन्यू करेंगे? सर हम सर पीसीएम लेंगे सर। बहुत बढ़िया, चलिए। और पीसी उसके बाद 12th के यस बाद सर। क्या प्लान है, कुछ सोचा हुआ है? सर पीसीएम के बाद सर 12th के बाद सर इंजीनियरिंग करनी है सर। इंजीनियरिंग? अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये होता है, बिल्कुल विजन क्लियर है मतलब आपका, ये बड़ी अच्छी बात है। यस सर। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, बैठ जाइए, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके वेलकम। चलिए बेटा, जीजीएसई, बारकोड, सोनम, बेटा हुआ आंसर? हो जाना, चलिए कोई नहीं, सोनम आंसर दे इस बार, पूजा ने दे दिया, लगभग स्वाति ने भी दे दिया है, सोनम खड़ी हो जाए। चलो बेटा ठीक है, ठीक है, हो जाओ खड़े, जल्दी हो जाओ। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जो सु तथा नामी के संयोग से बना है। इसमें सु का अर्थ बंदरगाह तथा नामी का अर्थ लहरें हैं। अतः समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण उत्पन्न ऐसी लहरें हैं जो सागर से बंदरगाह या तट की ओर प्रभावित होती है, सुनामी कहलाती है। ये अत्यंत विनाशकारी लहरें होती हैं। इसके कारण समुद्री तटवर्ती भागों में कभी-कभी भारी विनाश का सामना करना पड़ता है। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। मतलब मुझे उम्मीद है कि अगर पेपर बनेगा शायद आप टॉप करो, ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप टॉप करोगे। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लिखिए आप इनको, और फिर मैं कुछ आपको घर के लिए दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कम से कम आपको 10-15 क्वेश्चन मैं लिखा दूं और आप उसकी घर से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरी क्लास नहीं है। तो मैं चाहता हूं आपके पास क्वेश्चन रहे और आप ईमानदारी से उनको लिख लें, रोज रोज भी अगर 2-3 आंसर करोगे हो जाएगा, है ना बेटा? फिर मैं आपसे 11वीं क्लास में मिलूंगा। कितने बच्चे आएंगे 11वीं क्लास में मुझसे बात करने के लिए? आओगे पक्का? चलो ठीक है, लिखो फिर क्वेश्चन लिखो बेटा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से क्वेश्चन लिख लें और घर जाके ट्राई करेंगे ना, बहुत खुशी होगी मुझे। चलिए तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया, देखिए कॉपी करने का मैंने आपको आसान तरीका बताया था। फिर आप लोग ऐसे करते हैं, एक पेपर ले लीजिए, जब जल्दी में हमको बहुत कुछ कॉपी करना हो तो एक व्यक्ति पहला क्वेश्चन कॉपी कर ले, एक दूसरा कर ले, एक तीसरा कर ले, एक चौथा कर ले, चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना? ऐसा कंडीशन में क्या करो ना एक जगह, और साथ में जब जाओगे 10-5 मिनट मिलोगे आपस में, कॉपी कर लेना कि बेटा। चलिए शाबाश, हो गया, हाथ तो बताए, हाथ तो खड़ा करें बच्चों। चलिए ठीक है, और ये 22 वाला क्वेश्चन जरूर कॉपी कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है आजकल, पर्यावरण पॉल्यूशन, जल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नदियों का जल प्रदूषित कैसे होता है और इसको दूर करने या कम करने के उपाय सुझाने, बस दो दो क्वेश्चन है बेसिकली। एक क्वेश्चन यहाँ तक है, इसमें ब्रेक करके आंसर कीजिएगा हमेशा, और दूसरा यहाँ तक है, दो क्वेश्चन है। जब भी आप क्वेश्चन करें, वैसे आप बहुत अच्छा लिखते हैं, फिर भी बेटा कुछ जुड़ी चीजों को ध्यान जरूर रखिएगा ताकि कुछ भी मिस्टेक ना हो। हो गया क्वेश्चन नंबर 27, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और 26वां क्वेश्चन भी कॉपी कर लीजिए, दो क्वेश्चन जरूर कर लें, उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अभी 10 मिनट है हमारे पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको 10-15 क्वेश्चन लिखा दूं इनके। चलिए हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में से प्रचंड बेरोजगारी की समाप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए। प्रचंड बेरोजगारी मतलब छुपी हुई बेरोजगारी, कितने ही लोग लग जाए लेकिन उसके उत्पादन में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, उत्पादन आपका नहीं बढ़ता, मैंने पढ़ाया है। और वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख कठिनाई क्या है, यानी वस्तु विनिमय का मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेना, व्हाट आर हेडस्टिक बोलते हैं इसको, क्लियर है? ठीक, क्या कठिनाई है, हम व्यापार नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ेगा सामने वाले को उस वस्तु की आवश्यकता है कि नहीं है, तो इस तरह से आप इनको अच्छे से कर सकते हो। मैं एक पेपर और लेके आया था आपके लिए, अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए 2019 का है,
और जंगल बुक के लेखक कौन है? भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? क्लियर है? और रेट होल खनन से आप क्या समझते हैं? क्लियर है? तो रेट होल खनन को भी आप लिख लीजिए। चलिए, जंगल बुक के लेखक कौन है? चलिए, तो इसका बार नहीं उतर रहा है, तो कोई नहीं, हम लोगों को जो अपना काम है वो तो हम कर लेंगे, क्वेश्चन लिखना है। तो देखिए, जंगल बुक का जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा, ध्यान रहेगा, ठीक है? और चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य आपको पता है असम है, ठीक है? रेट होल का मतलब आपका बेसिकली खनन से है। क्लियर हो गया? जब हम गहरी गहरी लंबी पखंड बना देते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए। और ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए, फोर्थ का। तो वह स्थान जहां पर भारत का पहला सीमेंट उद्योग लगा, तो चेन्नई 1904 में लगा बेटा, लिख लें, 1904 में चेन्नई में। समरूप समाज से आप क्या समझते हैं? लिख लीजिए ये क्वेश्चन, कुछ लिख लीजिए। आबाश, समरूप समाज से। अब देखिए, एक काम करिए, एक बच्चा नंबर, एक बच्चा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखे, 1 6 1 7 1 8 1 9, आप एक एक करके लिख लीजिए, कोई भी बोल लीजिए कि मैं फिफ्थ लिख रहा हूँ, सिक्स लिख रहा हूँ, ताकि बहुत जल्दी लिख पाए, ऐसे करके बाद में आप अपने कॉपी कर लेना, ऐसे करके 9 तक लिख लीजिए, जैसी हो जाएगा हाथ खड़ा कर दे, मैं फिर ऊपर कर दूंगा पेज को। हो गया? करिए करिए, शाबाश, ठीक है, तो बच्चों ने कर लिया। लास्ट 30 सेकंड और है, चारों को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हो गया बच्चों? चलिए, अब देखिए, मैंने कहा था ना एनसीसी वाला क्वेश्चन आ रहा है, क्या उद्देश्य है, ये किसी ना किसी रूप में मिल रहा है बेसिकली, चाहे शॉर्ट में मिले या लॉन्ग में। अच्छा, ये ध्यान दीजिए, जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, चेयरपर्सन कौन होता है? तो ध्यान ध्यान रखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी जो होते हैं वो आपका जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए, अब ये है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, तो ऐसे भी पेपर बन सकता है। तो एक बच्चा 11 नंबर क्वेश्चन कॉपी करे, एक 12, एक 13, एक 14, और बल्कि G77 की जगह G20 कर लेना आज इसे, अब किस बार ये कुछ, जो 12 नंबर का क्वेश्चन है ये लिख नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, तो G20 कर लेना बेटा इसको, लास्ट वाले क्वेश्चन को, G17 की जगह G20 से आप क्या समझते हैं? चलिए लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, हो गए चारों क्वेश्चन, और कोशिश करिए कि आप इन्हें चार चार नंबर में लिखें सबको। चलिए, शाबाश बेटा, राखी जल्दी करो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन याद है आपको, शायद आपने मुझसे पढ़ा हो, बगान मालिकों में था ना ये क्वेश्चन, अफ्रीका में, याद आया कैसे उनको ले जाया गया था? लिख लीजिए, शाबाश, अरे लिखिए बेटा फटाफट, मौका दे रहा हूँ, मैं क्लास ओवर खींच रहा हूँ, लिख लीजिए, जल्दी लिख लो, 3 क्वेश्चन है। आप मेरा वाला पैटर्न फॉलो नहीं करते, इसका मतलब जो मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन 11 नंबर का बच्चा क्वेश्चन कर ले, एक 12th नंबर, एक आपको 13 नंबर, आप लगे हो सारे कॉपी छापने में कि एक तो कर लिया दूसरा भी लिख लू, है ना, मैं कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ, छूट जाता है ना बेटा, बहुत तेज हो आप लोग सब, कि कोई बात नहीं, कौन बाद में कॉपी करेगा, लगे हाथ तो सारे कॉपी कर लेते हैं ना। लास्ट 30 सेकेंड, चलिए आपकी स्पीड देखते हैं, 10 11 12 13, तेरे के बाद सीधा 15, अरे वाह, 15 पे खत्म, अरे शाबाश, चलो बेटा जल्दी चलो, शाबाश। चलिए, 25, 26, और समय समाप्त। चलिए, ध्यान दीजिए, आज हमारी जो क्लास है यही समाप्त हुई, और मैं, अगर आप लोग साइंस लोगे तो मैं 11वीं में आपसे नहीं मिल पाऊंगा, बाहर बात करने के लिए जरूर आ सकता हूँ। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि मैं इसके बाद आपके क्लास में कोई मेरी क्लासेस नहीं है, ठीक है?
और आप लोग के साथ इतना सफर रहा बहुत अच्छा रहा मेरा। और आप लोग पढ़िए, कुछ अगर डाउट है, कुछ पूछने से, कुछ पेपर संबंधित, तो लास्ट मिनट मुझसे बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपनी क्लास को समाप्त करूंगा। कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा तो कुछ बोलना चाहोगे? ठीक है, चलो चलो माइक ले लो, फटाफट बोल दो अगर कुछ बोलना है तो, माइक ऑन करके जल्दी जल्दी बोल दो। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, हम 11th में साइंस की वाले SST लेंगे सर, अरे वाह, आप इसे एसएससी का पढ़ेंगे सर SST? फिर तो मुलाकात होगी आपको सिविल सेवा के लिए। ठीक है चलो, यस क्या नाम सर, आप? खुशी नाम है ना? राखी सर। अच्छा राखी, चलो चलो ठीक है फिर बेटा, 11वीं में आपसे मुलाकात होगी, बहुत अच्छे। चलो कोई बात नहीं, सर पूजा भी यही बोल रही है और सभी बोल रहे हैं नहीं, ऐसा SST मेरे लेंगे। बोलने से मत करो, मेरे बोलने से मत करो। जो लोग आपको देखो आपसे भी टाइम का पढ़ेंगे सर पूछा, हम। नहीं पढ़ लो, बात वो नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, जो आपका ड्रीम है आप उस तरफ बढ़ो। मैं तो पूछना चाहता कि बच्चों का फीडबैक क्या है। ठीक है चलो, तो सभी बच्चे अच्छे से करेंगे, पेपर बहुत अच्छे से देंगे, हवल लबड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से तसल्ली पूर्वक अपने एग्जाम को देंगे और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे। ठीक है चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।